जर्नलिस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। अगर इन नतीजों को चौंका देने वाला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं एक लोकसभा सीट के ये रिजल्ट ने लोगों को हैरान कर दिया है, वो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की है। बीजेपी की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ लोग बीजेपी पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की करारी हार के बाद ट्विटर पर पोस्ट किया। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री राम के नाम पर बदनाम करने वालों को, उनके नाम पर पाप करने वालों को जय श्री राम। वहीं एक्ट्रेस ने मीम भी शेयर किया जिस पर लिखा है कि ये तो सच है कि भगवान है। वहीं एक्ट्रेस ने एक अगले ट्वीट में लिखा कि उन्होंने कहा कि टाइटैनिक डूबने योग्य नहीं था और फिर भी एक दिन वह डूब गया। सरकार किसी की भी बने, आज नफरत, भ्रष्टाचार, लालच और अहंकार को भारत ने हरा दिया है। स्वरा भास्कर के ये दोनों ही ट्वीट काफी वायरल हो रहे हैं। स्वरा भास्कर के ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बहुत सही कहा आपने, भगवान तो हैं और मंदिर भी है, पर जिसके लिए बनाया गया वो ही राम के नहीं निकले। वहीं नेहा सिंह राठौर ने भी अयोध्या में बीजेपी की हार पर लिखा कि तो क्या अब अयोध्या वाले भी पाकिस्तान चले जाएं। इसके अलावा KRK ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी अयोध्या सीट हार गई है, यह इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या वासियों को भी हिंदू मुस्लिम राजनीति पसंद नहीं आई। जय हिंद। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।